हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। बाड़मेर में क्लस्टर सैंपलिंग जारी। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग राज्य सरकार के निर्देशानुसार कोरोना वायरस संक्रमण का केस पाया गया है, उन स्थानों पर क्लस्टर सैंपलिंग लिया जा रहा है। सैंपल लेकर देखा जाना है कि कहीं कोरोना वायरस सामुदायिक स्तर तक तो नहीं फैल रहा है। एक्चुअल में IISMR जो है जयपुर में जो संगदर में इंस्टीट्यूट है, तो वो रैंडम सैंपलिंग के लिए उसमें उन्होंने एक गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान से एक लेटर जारी हुआ कि जो जिले हैं जिसमें जो प्रभावित है वहाँ पे 60 सैंपल रैंडम लेने हैं। उसके अंदर अपने बाड़मेर ज़िले के अंदर इन्होंने कुछ गाँव के नाम हैं, जैसे कि लूखों का तला है, मेली है, प्रहलादपुरा है, बासड़ाऊ है, सनावड़ा है, वो गाँव है। और जो अर्बन क्षेत्र है उसके अंदर बाड़मेर के अंदर अपने वार्ड नंबर 2 और बलोतरा में वार्ड नंबर 8, वहाँ से हम कुछ रैंडम सैंपल ले रहे हैं एज सर्वे के हिसाब से। और इसका RT-PCR टेस्ट होगा और उसके माध्यम से मालूम पड़ेगा कहीं कम्युनिटी में कहीं कोई ट्रांसमिशन वगैरह तो नहीं है, कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, तो उसके लिए ये किया जाता है। राकेश भाटी जिला आशा समन्वयक ने बताया कि बाड़मेर के वार्ड नंबर 2 की आंगनवाड़ी केंद्र पर उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर PC दीपन के नेतृत्व में PMO बाड़मेर की टीम द्वारा 6 लोगों के सैंपल लिए गए। डॉक्टर दीपन ने बताया कि इन सैंपल को जांच के लिए जोधपुर भेजा जाएगा। डॉक्टर दीपन ने बताया कि क्लस्टर सैंपलिंग बाड़मेर में आगे भी जारी रहेगी एवं टीमें जिले में अलग अलग जगह पर जाकर क्लस्टर सैंपलिंग लेकर ये सुनिश्चित करेगी कि सामुदायिक स्तर पर कोरोना का प्रभाव फैल तो नहीं रहा है। क्लस्टर सैंपलिंग के दौरान उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर PC दीपन, जिला आशा समन्वयक राकेश भाटी, NUHM प्रबंधक अरविंद सांगवा, कमलेश चौधरी, मूल शंकर दवे, ANM आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं PMO बाड़मेर की टीम उपस्थित रही। बाड़मेर से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।